क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम एडीपी, वेलकम टू रिव्यू शिव्यू। सो आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M51 के कैमरा को वन प्लस नॉर्ड के कैमरा के साथ। दोनों ही जो फ़ोन्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, एंड जितने भी लोग इन फ़ोन्स में इंटरेस्टेड हैं उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि इनका कैमरा कैसा है। सो मैंने सोचा दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, और मैं कैमरा के स्पेसिफिकेशंस में नहीं घुसूंगा। अगर आपको स्पेसिफिकेशंस जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे है, वहाँ आपको सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी। इस वीडियो में मैं मतलब साइड बाय साइड कंपेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा को। सो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि जो रियल लाइफ में ये फ़ोन्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं अगर आप उनके कैमरा को कंसिडर करते हो। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फ्रंट कैमरा को लेके, दोनों ही फोन्स के बोथ आउटडोर्स इंडोर्स एंड लो लाइट में कैसा परफॉर्म करते हैं। देन आई विल मूव टू द रियर व्यू कैमरास एंड सेम, मतलब पहले आउटडोर्स के बारे में बात करूँगा फिर इंडोर्स के बारे में बात करूँगा। सो आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि जो दोनों ही फ़ोन्स हैं उनके कैमरा कैसे परफॉर्म करते हैं किस कंडीशन में। सो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। सो गाइज, जैसे आप देख सकते हो वन प्लस नॉर्ड जो है वो हल्का सा ब्राइट ज़्यादा है M51 के पिक से, लेकिन M51 ज़्यादा कलरफुल है, हल्का सा ओवर सैचुरेटेड है, बट डायनामिक रेंज बेटर है। लेकिन वन प्लस नॉर्ड में जो एंगल आपको मिल रहा है, मतलब वाइड एंगल थोड़ा ज़्यादा है M51 से, एंड ये नॉर्मल मोड में मैंने फ़ोटो क्लिक की है। मेरे को एक्चुअली मैं बताऊँ तो M51 का जो फ़ोटो है वो ज़्यादा प्लीजिंग लग रहा है, लेकिन ज़्यादा नेचुरल लुकिंग वन प्लस नॉर्ड का फ़ोटो है। अब दोस्तों, इस वाले सिनेरियो में मैंने दोनों ही कैमरास को वाइड एंगल पे सेट कर दिया था, एंड यहाँ पे भी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। M51 हल्का सा डार्क है, वन प्लस नॉर्ड हल्का सा ब्राइट है, एंड जो इसका वाइड एंगल है वो ज़्यादा बड़ा वाइड एंगल है, लेकिन जो कलर्स हैं वो मेरे को M51 में हल्के से बेटर लग रहे हैं, हल्के से ज़्यादा प्लीजिंग लग रहे हैं। दो वन प्लस नॉर्ड के जो कलर्स हैं वो ज़्यादा नेचुरल लुकिंग है। एंड यहाँ पे आप अभी देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है, एंड यहाँ पे भी M51 जो है उसमें डायनामिक रेंज आपको बेटर देखने को मिल रही है दैन वन प्लस नॉट, लेकिन वन प्लस नॉट हल्का सा वाइड एंगल है यहाँ पे भी। सो अगर आपको वाइड एंगल शॉट ज़्यादा पसंद है दैन वन प्लस नॉट आपको खरीदना चाहिए, वरना गैलेक्सी M51 काफ़ी बढ़िया है एंड ज़्यादा प्लीजिंग लगता है आँखों को। सो सोशल मीडियाज़ के लिए ये बेटर है। हाय, ये अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ये आपको मिल रही है वन प्लस नॉट के थ्रू, एंड ये हल्का सा वाइड है थोड़ा सा, जितना मेरे को लग रहा है मतलब सैमसंग गैलेक्सी M51 से अगर मैं कंपेयर करूं। और इसमें भी आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो पता चल रही होगी कैसी है, एक हाथ से यूज़ कर रहा हूँ मैं, दूसरा हाथ मेरा फ्री है। एंड इसमें जो कलर एक्यूरेसी आप वो भी देख सकते हो, और डायनामिक रेंज भी जो है वो आप देख सकते हो। सो आप ही के सामने सारा रिजल्ट है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी वाली वीडियो ज़्यादा बेटर लग रही है। इसमें एक और वाइड एंगल का ऑप्शन है, लेकिन वो अभी मैं मतलब वीडियो ऑन करते टाइम ही मैं चूज़ कर सकता हूँ, अभी क्योंकि वीडियो चल रही है तो मैं अभी चूज़ नहीं कर सकता हूँ वो, इसको मेरे को स्टॉप करके उस वीडियो को स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब वाइड एंगल वाले वीडियो। हाय, ये वाली जो वीडियो है वो वन प्लस नॉट के वाइड एंगल कैमरा से शूट हो रही है, फ्रंट कैमरा के वाइड एंगल से, और आप देख सकते हो कि जो एंगल है वो बढ़ तो डेफिनेटली गया है, लेकिन इसमें मेरे को जो फुटेज है हल्की सी सॉफ्ट लग रही है। वैसे आप मेरे को बताओ कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, एंड कलर एक्यूरेसी वगैरह तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, मैंने इस फुटेज को बिल्कुल भी कलर ग्रेड नहीं किया है, और ना ही मैं ऑडियो में कुछ चेंजेस लेकर आया हूँ, सेम ही ऑडियो है। सो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑडियो कैसी मिल रही है, कलर एक्यूरेसी कैसी मिल रही है, डायनामिक रेंज कैसी मिल रही है, आप ही के सामने सारा रिजल्ट। हाय, ये जो आप अभी फुटेज देख रहे हो ये आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 से मिल रही है, एंड इसमें कोई भी आपको वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता है फ्रंट कैमरा के थ्रू जब भी आप वीडियो बना रहे होगे। इसका कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉप्ड इन है, एंड यही है पूरी फुटेज, आप देख सकते हो क्या स्टेबलाइजेशन है, क्या कलर्स हैं। और मैंने अभी एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ मेरा फ्री है, तो आप देख सकते हो कि क्या क्वालिटी है, स्टेबलाइजेशन कैसी है, कलर एक्यूरेसी कैसी है, एंड इसमें जो डायनामिक रेंज है वो भी आप देख सकते हो, वो भी पूरा वाइट हो गया है। ठीक है, बैकग्राउंड क्योंकि वहीं से मतलब सूरज उसी साइड में, अब देख सकते हो क्या सारा सीन है इस कैमरे का। सो गाइज, अभी इंडोर सिचुएशन में आप देख सकते हो वन प्लस नॉट अगेन थोड़ा सा ज़्यादा वाइड एंगल शॉट्स क्लिक करता है, M51 ज़्यादा क्रॉप्ड इन है, मगर नॉर्ड में आपको ज़्यादा नॉइज़ भी दिखेगी, प्लस उसमें मेरे को हल्का सा जो आप बोल सकते हो डिटेलिंग है वो ज़्यादा बेहतर लगी नॉर्ड में, लेकिन नॉइज़ भी आपको ज़्यादा मिलता है। गैलेक्सी M51 ऑन दी अदर हैंड थोड़ा ओवर सैचुरेटेड है, पिंकिश टिंट है हल्का सा,
एंड जबकि जो शर्ट थी उसमें जो स्ट्राइप है वो ऑरेंज की है एंड पिंक की नहीं है। लेकिन ये सॉफ्ट ज़्यादा लगती है आपको, बट इसमें आपको कोई भी नॉइज़ देखने को नहीं मिलता है। सो वो एक बेटर चीज़ लगी मेरे को गैलेक्सी M51 में। एंड ओवरऑल मैं अगर बताऊँ तो मेरे को OnePlus Nord वाइड एंगल के मामले में बेटर लगता है, क्योंकि मेरे को वाइड एंगल कैमरा ज़्यादा पसंद है अगर मैं इंडोर्स में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और M51 थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है मेरे को। सो मेरे को पर्सनली OnePlus Nord का कैमरा जो वो इंडोर्स में हल्का सा ज़्यादा बेटर लगता है। प्लस गैलेक्सी M51 में शटर स्पीड भी जो थी वो हल्की सी स्लो थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो जाएगी। सो गाइज़, यहाँ पे जो मैंने कैमराज यूज़ किए हैं वो वाइड एंगल शॉट्स में यूज़ किए हैं, एंड आप देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है। OnePlus Nord अगेन ज़्यादा वाइड है, मगर उसमें ग्रेन ज़्यादा है, लेकिन डिटेल्स भी मेरे को ज़्यादा लगी। प्लस जो कलर्स हैं वो ज़्यादा नेचुरल हैं। M51 में बहुत ही ज़्यादा ओवर सैचुरेशन कर रहा है, वो पिंक कलर का जो टिंट है वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है, जबकि जो शर्ट का स्ट्राइप था वो मैं बता चुका हूँ ऑरेंज कलर में था। हाय, ये जो फुटेज आप अभी देख रहे हो ये OnePlus Nord से शूट कर रहा हूँ मैं, एंड इसका मेरे को इंडोर कैमरा थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। रीज़न बिहाइंड, इसमें डिटेल्स थोड़ी बेटर कैप्चर होती हैं पहली चीज़, और दूसरी चीज़ इसमें कलर एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया है। ये जो शर्ट का अभी कलर आप देख रहे हो ये वाइट ऑरेंज एंड ब्लू है, सैमसंग गैलेक्सी M51 में ये पिंकिश दिख रहा है हल्का सा, जबकि पिंक बिल्कुल नहीं है, ये ऑरेंज है। सो कलर एक्यूरेसी के मामले में भी OnePlus Nord इंडोर्स में मेरे को हल्का सा बेटर लगा। उसमें एक हल्का सा पिंक टिंट आता है सैमसंग गैलेक्सी M51 में, ये चीज़ मैंने नोटिस की। और उसका जो कैमरा है ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही तगड़ा कैमरा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो हल्का सा सैचुरेट ज़्यादा करता है, बट उसमें डायनामिक रेंज बेटर है OnePlus Nord से, ये चीज़ भी मैंने नोटिस की। OnePlus Nord में मेरे को समहाउ डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही हैं गैलेक्सी M51 से। हाय, सो अभी आप जो ये फुटेज देख रहे हो ये सैमसंग गैलेक्सी M51 से, और मैं इंडोर्स लाइट में शूट कर रहा हूँ। सबको आइडिया लग गया होगा कि फुटेज में क्लैरिटी कितनी है, एंड स्टेबलाइजेशन तो खैर मैं क्या ही बताऊँ, घर में जब भी हम शूट करते हैं स्टेबलाइजेशन इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं, बट यही है जो सीन है आप देख सकते हो। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो सैमसंग गैलेक्सी M51 का कैमरा है उसमें जो शटर स्पीड है वो हल्की सी स्लो लगी मेरे को, शायद ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सैमसंग ठीक कर दे, क्योंकि अभी नया फ़ोन है ये तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे अभी, बट इसमें डेफिनेटली शटर स्पीड जो है वो मेरे को हल्की सी स्लो लगी OnePlus Nord से। OnePlus Nord में ये इशू आई थी इनिशियली, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू अभी वो बेटर हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। इसमें लेकिन अभी वो इशू है, और ये भी मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सैमसंग ठीक कर देगी। सो गाइज, अभी हम जो फोटोज़ देख रहे हैं वो लो लाइट में क्लिक करी गई थी फ्रंट कैमराज के थ्रू OnePlus Nord एंड गैलेक्सी M51 के। एंड यहाँ पे गैलेक्सी M51 ईजिली बेटर परफॉर्म करता है नॉट से, क्योंकि उसमें नाइट मोड मिलता है आपको फ्रंट कैमरा में। यहाँ पे भी जो आप फोटो देख रहे हो ये वाइड एंगल में मैंने नाइट मोड यूज़ किया है। OnePlus Nord में आपको नाइट मोड मिलता ही नहीं है, गैलेक्सी M51 में आपको नाइट मोड मिलता है बोथ रियर व्यू कैमरा के लिए एंड फ्रंट कैमरा के लिए। एंड आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि जो गैलेक्सी M51 है वो कितना ज़्यादा ब्राइट है, दो वो इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन OnePlus Nord वाइड ज़्यादा होने के बावजूद जो फोटोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क क्लिक करता है, क्योंकि नाइट मोड आपको उसके फ्रंट कैमरा के लिए नहीं मिलता है। सो गाइज़, यहाँ पे अगर मैं अगले फ़ोटो की तरफ देखूँ तो ये रियर व्यू कैमरा का सीन है, एंड यहाँ पे मेरे को सरप्राइजिंगली OnePlus Nord थोड़ा सा बेटर लग रहा है अभी इस फ़ोटो में। लेकिन गैलेक्सी M51 का जो फ़ोटो है मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि वो ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज आपको प्रोवाइड करता है। सो डायनामिक रेंज गैलेक्सी M51 में कॉन्स्टेंटली बेहतर आपको नज़र आने वाली है। यहाँ पे जो अगली फ़ोटो है दोस्तों, ये वाइड एंगल कैमरा, और यहाँ पे तो क्लियरली मेरे को गैलेक्सी M51 ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि जो आप कार है वो देख सकते हो वो क्लियरली विजिबल है गैलेक्सी M51 में। OnePlus Nord में उतनी क्लियरली विजिबल नहीं है, जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा डार्क ज़्यादा दिख रहा है आपको OnePlus Nord में। सो जो वाइड एंगल कैमरा है उसमें भी गैलेक्सी M51 का आपको बेटर मिल जाता है डायनामिक रेंज। सो ये फुटेज जो आप अभी देख रहे हो इट इज़ कमिंग फ्रॉम OnePlus Nord's रियर कैमरा, एंड इसमें आपको OIS भी मिल जाता है। ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हो इट इज़ कमिंग फ्रॉम सैमसंग गैलेक्सी M51's रियर कैमरा, और इसमें OIS नहीं है, EIS है।
सो ये दोनों का ही वाइड एंगल रियर कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो क्या क्वालिटी है। ठीक है, सो गाइज अभी आपको जो दो फोटोज़ नज़र आ रही हैं वो दोनों लो लाइट में मैंने क्लिक करी थी, लेकिन नाइट मोड जो था वो ऑन नहीं था। यहाँ पे मेरे को वन प्लस नॉट का जो कैमरा हल्का सा बेटर लग रहा है, क्योंकि आप स्काई की तरफ देख सकते हो, जो ऑरेंज कलर है वो ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, फेड आउट नहीं हुआ है। अब अगर हम अगले पिक की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर मैंने नाइट मोड ऑन कर रखा था दोनों ही कैमराज़ में, एंड वन प्लस नॉट आप क्लियरली देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइट कर देता है, प्लस जो स्काई में ऑरेंज कलर है स्टिल विजिबल है। M51 में अभी हल्का सा वो फेड आउट हो चुका है। सो वन प्लस नॉट का जो नाइटस्केप है वो बेटर लगा मेरे को। ये नॉर्मल वाइड एंगल शॉट्स हैं, यहाँ पे लो लाइट में M51 बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें अभी तक हमने नाइट मोड ऑन नहीं किया। सो बिना नाइट मोड ऑन किए जो वाइड एंगल है वो गैलेक्सी M51 में बेटर है। यहाँ पे सेम सिनेरियो है, लेकिन वाइड एंगल में अभी हमने नाइट मोड ऑन कर रखा है। सो गाइस दैट्स प्रीटी इट, आई होप आप लोगों को ये कैमरा कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। आप लोगों के कमेंट्स करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड अगर आपका फर्दर कोई भी सवाल या सुझाव है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर आप नए हो चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।